लोग को आउटसोर्सिंग बेसिस पे लिया गया, लेकिन जब से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ जब से अभी तक हम लोग को टाइम पे सैलरी नहीं मिली। हम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं और गरीब लोगों की सेवा करते हैं। हम लोग को अगर टाइम पे अगर हम लोग की प्रॉब्लम रहेगी तो उन लोगों की सेवा हम लोग कैसा करेंगे? और हम लोग अगर यहाँ पर स्ट्राइक पे आ गए तो उन लोगों का क्या होगा? आप लोग ये बोलिए। और हम लोग यहाँ पर रेगुलर ड्यूटी को आते, आप भी नहीं लेते यहाँ पर। और हम लोग जो है यहाँ पर जो है आउटसोर्सिंग में काम करते हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई के बराबरी से नहीं, उससे ज़्यादा काम करते हैं हम लोग यहाँ पर। बहुत वर्क करते हैं हम लोग यहाँ पर। और यहाँ पर 8 घंटे ड्यूटी है, 10-10 घंटे ड्यूटी करते हैं हम लोग, और खाते नहीं टाइम पे, पीते नहीं। रिसेंटली जो है कोरोना वायरस आया और गांधी में तो पॉजिटिव को पॉजिटिव दे रहे थे। हमारे पास यहाँ पर सस्पेक्टेड केसेस है, कौन सा पेशेंट कोरोना है हम लोग को मालूम ही नहीं, तो भी हम लोग जो है तो हम लोग की जान बाजी पर लगा कर जो है तो हम लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट करें लोग का। हम लोग को अगर प्रॉब्लम रही तो लोगों का क्या होगा? गरीब लोगों का क्या होगा? बोलिए आप लोग। नहीं, वो लोग उन्होंने ये बोल रहे कि 10 जुलाई से हम लोग यहाँ पर स्ट्राइक कर रहे हैं। एवरी डे बोल रहे हैं 5 डेज में सैलरी आता, 2 डेज में सैलरी आता, हर दिन जो है एक्सपेंड कर रहे हैं। जिस दिन भी हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं 2 दिन बढ़ा दे रहे हैं, और एक ना एक नई जो है पॉलिसी कर रहे हैं। एक दिन अकाउंट नंबर गलत है बोल रहे हैं, एक दिन अकाउंट डिटेल नहीं दिए बोल के बोल रहे हैं। हम लोग को सैलरी होने का है। और रिसेंटली जो है कल ही या परसों जो है निम्स और गांधी हॉस्पिटल में जियो नंबर पास हो गया 17,000 से लेके 30,000 तक। और हम लोग यहाँ पर टेक्नीशियन का कोर्स करते, और हम लोग यहाँ पर पेशेंट की सेवा करने के लिए हम लोग, और हम लोग ऐसा खर्चेंगे तो पेशेंट की सेवा कौन करेगा यहाँ पर? ये बोलिए आप लोग। मेरी रिक्वेस्ट है हेल्थ मिनिस्टर सर से, हम लोग की जो भी प्रॉब्लम है पूरी सॉल्व करिए, और हम लोग को आउटसोर्सिंग में हम लोग ఎవరైతే వచ్చారో వచ్చిన వాళ్ళు చెప్తున్నారు, నాలే చెప్తాను రమ్మంటే మనమనే అనుకున్నాం, రాలేదు కదా రానవసరం మరి అవసరం।